जेई मेन 2020 में 8 जनवरी का शिफ्ट वन का पेपर है, मॉर्निंग सेशन का पेपर है. इसका क्वेश्चन है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज. मेजर प्रोडक्ट क्या है ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ये 8 कार्बनों का एक एल्कोहल है जिसमें दो जगहों पे डबल बॉन्ड है और दो मिथाइल्स भी लगे हुए हैं, ठीक है ना. और इसको डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन करवाएं तो क्या प्रोडक्ट होगा, ठीक है. एक बार फिर से देख लेते हैं, इसको नोट कर लेते हैं. CH3 यहाँ पर है डबल बॉन्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पर भी डबल बॉन्ड है, ठीक है. यहाँ एक मिथाइल भी है, ये हो गया 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 के बाद 8 नंबर कार्बन पर एक OH लगा हुआ है. अब ये H2SO4 की वजह से, डाइल्यूट H2SO4 की वजह से पहले तो H प्लस आएगा, प्रोटोनेशन होगा. यहाँ समझने वाली बात ये है कि ये जो H प्लस है वो OH पर प्रोटोनेशन करके H2O निकाल के कार्बोकेटायन बना सकता है, या यही H प्लस डबल बॉन्ड के ऊपर प्रोटोनेशन करके और यहाँ कार्बोकेटायन बना सकता है. इट में प्ले द रोल ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल फॉर अ डबल बॉन्ड, और इट में प्ले द रोल ऑफ एन एसिडिफाइंग एजेंट फॉर एल्कोहल, और दोनों ही केसेस में कार्बोकेटायन बनना है. जब भी कभी ऐसी दुविधा हो, जब भी कभी ऐसी एम्बिग्यूटी हो कि हम जब डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और OH भी प्रेजेंट है, और H प्लस को कहीं एक जगह पर प्रोटोनेट करवा के अगर हमें कार्बोकेटायन बनवाना है, और जब भी कभी ऐसी एम्बिग्यूटी आए तो इस बात का ध्यान रखना कि ज़्यादातर केसेस में डबल बॉन्ड पर ही H प्लस ऐड होता है. लेकिन अगर OH पर H2O बनाकर और कार्बोकेटायन निकलवा कर इसको रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिलती हो, अगर ऐसे कार्बोकेटायन को रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिलती हो तो हमेशा हम OH पर प्रोटोनेशन करवाते हैं. बात समझ में आ रही है? अगर OH पर प्रोटोनेशन करवा के H2O निकाल के जो कार्बोकेटायन बनता है, अगर वो कार्बोकेटायन रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड हो जाता है तो हम हमेशा OH पर ही प्रोटोनेशन करवाते हैं एंड नॉट ऑन दी डबल बॉन्ड, ठीक है ना. इतनी बात समझ में आ गई? तो मेरे स्टूडेंट्स ये सब बहुत अच्छे से जानते हैं इस बात को कि हमें हमेशा प्रोटोनेशन कहाँ करवाना चाहिए. अगर डबल बॉन्ड और OH सब कुछ है तो डबल बॉन्ड में कराना है, लेकिन अगर OH पर प्रोटोनेशन करवा के H2O निकालकर जो कार्बोकेटायन बना है वो रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड भी हो जाता है तो हमें प्रोटोनेशन OH पे करवाना है, ठीक है. सो OH विल गेट प्रोटोनेटेड, और OH जब प्रोटोनेटेड होगा तो H2O निकल जाएगा, ठीक है ना. तो फिर से मैं इसी कंपाउंड को लिख देता हूँ जिसमें OH को प्रोटोनेट किया जाएगा डबल बॉन्ड. फिर ये कार्बन नंबर 6 पे पहुंच गए, 6 पर एक डबल बॉन्ड भी है और मिथाइल भी है, और उसके बाद हम कार्बन नंबर 7 से 8 पर पहुंच गए और 8 पर OH2 प्लस कर दिया गया है, ठीक है ना. अब इसमें से H2O निकल जाएगा. जब इसमें से H2O निकल जाएगा तो ये बनेगा एक कार्बोकेटायन CH3, और यहाँ पर CH3 है. एक कार्बन नंबर 2 पर डबल बॉन्ड है और एक कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 पर डबल बॉन्ड है, और 6 पर एक मिथाइल भी है, और कार्बन नंबर 7 के बाद 8 पर हो गया कार्बोकेटायन. और आप देखें कि 8 नंबर पे जो कार्बोकेटायन बना है वो कार्बोकेटायन रेजोनेंस स्टेबिलाइज है, दैट्स व्हाई दिस कार्बोकेटायन इज वेरी मच स्टेबल. बात समझ में? अब ऐसे में हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो डायलूट H2SO4 का जो H2O वाला पार्ट है वापस से यहाँ अटैक कर दे और रिएक्शन रिवर्स हो जाए, और एक दूसरा हिस्सा ये है कि ये कार्बोकेटायन फिर डबल बॉन्ड पर अटैक कर दे एज एन इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना. तो जब डबल बॉन्ड पर अटैक होता है तो डबल इलेक्ट्रोफाइल हमेशा डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर अटैक करता है ताकि दूसरे वाले कार्बन पर बनने वाला कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल हो. ये मार्कोनिकॉफ का रूल है. मार्कोनिकॉफ का मॉडिफाइड रूल क्या है? इलेक्ट्रोफाइल कम्स ऑन ए डबल बॉन्ड इन सच ए मैनर सो दैट इट कैन गिव राइज टू ए मोर स्टेबल कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट. तो मुझे एक बात बताएं आप, अगर ये कार्बोकेटायन एज एन इलेक्ट्रोफाइल डबल बॉन्ड के राइट में आए, देखो यहाँ पर तो अगर ये आता है तो ये तो छोटी रिंग बनाएगा और इसमें स्ट्रेन होगा, लेकिन अगर ये यहाँ पर आता है, यहाँ पर इस डबल बॉन्ड पर आता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मेंबर रिंग बनेगी, 6 मेंबर रिंग इज क्वाइट स्टेबल रिंग. और उसकी दूसरी बात ये है कि डबल बॉन्ड के इस कार्बन पर इसको अटैक करना चाहिए या इस कार्बन पर. अगर इस कार्बोकेटायन ने डबल बॉन्ड के इस कार्बन पर एडिशन किया तो जो प्लस चार्ज बनेगा वो यहाँ होगा, जो कि एक सेकेंडरी कार्बोकेटायन होगा. अगर इस प्लस चार्ज ने डबल बॉन्ड के इस कार्बन पर अटैक किया तो जो कार्बोकेटायन बनेगा वो यहाँ होगा.
और अब ये टर्शरी कार्बोकेटायन होगा, टर्शरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल, सो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल नाउ इलेक्ट्रोफाइल शुड कम एट दिस कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड, तो बन गया सिक्स मेंबर रिंग बन गई। जब भी कभी रिंग क्लोज होती है तो नंबरिंग कर लेनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6, लो एक सिक्स मेंबर रिंग हमने बना दी, लो भाई हमने बना दी 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। वन जो है वो सिक्स से ऐड हो गया जाके, ये वन है और ये सिक्स है, टू और थ्री के बीच में एक डबल बॉन्ड है, और टू और थ्री के बीच में डबल बॉन्ड है और कार्बन नंबर थ्री पर एक मिथाइल भी है, और कार्बन नंबर सिक्स के बाहर सेवन है जिस पर दो मिथाइल्स हैं, और कार्बोकेटायन यहीं पर बना है, देख रहे हैं आप। तो अब अगर H2O का अटैक होगा इस पर एज ए न्यूक्लियोफाइल तो कैसा प्रोडक्ट मिलेगा, ये ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा, देखें सिक्स मेंबर रिंग के साथ, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या निकलेगा, हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, हमारा आंसर होगा 2। चेक करें एक बार, नोट करें।